खड़ा कर लूं तो को मैं ना ले, 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 लेट के वीडियो बनाऊं है ना, फिर मत जाना ले, लेट के वीडियो बनाऊं। जेमा जेमा मैं पेट पर रखूं ना, तुमने रखोगे तुम्हारे गिर जाएगा। नहीं मैं क्या रख लो ऐसे करके छोड़ो तो। आ रही हो तुम? आ रही हूं। रुको जाओ इन्हें वीडियो ना लन दो पहले। हाय गाइस, हाय गाइस, बेटर टर्न चैलेंज और मैं चांटे दूँ तो वो अच्छी ना ना गाय देखते हैं। वीडियो है दिया, तेरी वीडियो खराब कर दी। अब सब लोग कहेंगे ओ आपके पापा ऐसे बोलते हैं। हाँ दाई दाई ये देखियो जे 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 तो तूने गंदे मम्मी 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 मैं पूरी नहीं आ रही, मैं पूरी नहीं आ रही हूँ। पीछे करो, अब आ रही हो? अब आ रही हो? जाइए तो चले। बंद है? ये ऐप भी बंद है देखो। गाना सुनाऊंगी। मैनु लहंगा दे साथ मेरा गारिया, मैनु लहंगा तू 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 कंजूस है, पूरा मक्की चूस है, तेरा दिन क्रास करूस है, उनके मान जा। मैंगू लहंगा मैं ओए सही बनाइए। पूरा मक्की चूस है, तेरा दिल भी खराब खड़ूस। मैं याद नहीं कराती ना, अपने आप करती हूँ ठीक है। खड़ूस है और नंगा खड़ूस। ना उच्च उच्च उच्च। हाँ बोलो। उच्च उच्च ने उज्जवल मौसी ने सुनाया जी। अनु अपनी अनु बुआ बजाएंगी, उन्हें भी गाने याद है और इन्हें भी गाने याद है। बंद कर दिया मैंने बल्ब, ठीक है? पापा के दर्द हो रहा है। नहीं हाय गाइस, बेटा चल चल देखिए। हाय गाइस, बेटा चल चल। मैं तू 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 कंजूस है, पूरा मक्की चूस है, ते 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 तेरा दिल भी करा करूस है, उनके मान जा। मैंगू लेंगा मैंगू वो मंगी ना तुम आया, मैंगू आँख बंद कर ली नाक नाक बंद ओठ बंद गाल बंद गला बंद हैंड बंद हैंड बंद ना पक। मैं बा 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 बाद में मिलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट। एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो मैंने वैसे कल रात से स्टार्ट कर दी थी, मैंने नहीं दीयू ने स्टार्ट कर दी थी। उसके पापा आ गए थे, पापा थे और वो थे, मतलब हम तीनों ही थे, तभी से उसने स्टार्ट कर दी थी। वैसे किसी ने सही कहा है, माँ एक बार को बेटी को इतना प्यार ना करे। वैसे माँ भी करती है लेकिन एक कहावत है, बाप बेटी को बहुत प्यार करते हैं और माँ लड़के को प्यार करती है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि मेरा तो बेटी है, बट ये बात मेरी भाभी वगैरह हैं उनके भी बेटा है बेटी हैं, बहुत सारे मेरे घर में भी मेरे सामने प्रेगनेंसीज हुई हैं, बहुत सारे मैंने देखी हैं और इनफैक्ट मैंने अपने सामने देखी हैं।
तो उसके एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि पापा की बेटी, मैं खुद एक पापा की बेटी हूँ, मतलब मैं खुद बेटी हूँ और मैं अपने पापा की बहुत प्यारी हूँ, लाडली हूँ। ऐसे ही पापा की प्यारी होती हैं बेटियाँ। तो देखिए ओ मेरे हस्बैंड उसके लिए नहीं मना करते, मैं बोलूँ ना कि तुम वीडियो में बोलो या कुछ भी करो तो वो बोलेंगे नहीं और शर्माएंगे और उसकी तो हंसी बनाएंगे और उसको देखकर बहुत खुश होते हैं कि वो हाँ मेरी बेटी ये सब कर रही है और उसे बहुत पसंद है, तो उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं दिया को देखकर, उसके पापा। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे इन फ्यूचर कुछ करे और आगे बढ़कर कुछ ना कुछ आगे करे। तो यहाँ पर मॉर्निंग की मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, तो जो कपड़े वगैरह मैं तय बना रही थी तो वो तय बना दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर दीयू को पैंटी दे रही हूँ, दीयू पैंटी पहनने की बोल रही थी तो पैंटी दे रही हूँ। और यहाँ पर दीयू की जो गाउन थी वो उठा के मैं रख रही हूँ। और यहाँ पर मुझे बनानी है सब्जी वगैरह, तो वो भी मैं बनाऊँगी। और मैं नहा ली हूँ तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ टमाटर, और मैं आज लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, वो भी न्यू तरीके से। शायद आपने ऐसे नहीं बनाई हो तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर में डाल लिए हैं टमाटर और साथ ही साथ मैंने डाली है यहाँ पर हरी मिर्च, और इसे मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग चॉप करिए, आपको जितना भी फाइन रखना है तो मैं उतना ही जिस हिसाब से मुझे रखनी है उस हिसाब से रख करूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए मैं चॉप कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने लौकी को कट कर लिया है और इसे मैं बॉईल करने रख दूँगी। चाहे तो आप इसको मैश कर सकते हैं या फिर आप अच्छी तरह से घिस सकते हैं और घिस कर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। चाहे तो आप इसके जो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं लौकी बॉईल करके, लौकी के कोफ्ते भी बना सकते हैं घिस कर, बट मैंने यहाँ पर लौकी के कोफ्ते नहीं बनाए हैं, एक अलग तरीके से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ लौकी की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी लौकी है वो बॉयल हो गई है, उसको मैंने छलनी होती है ना स्टील की, जिसे हम दूध वगैरह ढकते हैं या पोहे वगैरह छानते हैं, तो वो वाली मैंने जो है वो यहाँ पर है ना उसमें निकाल दी है। और मैंने यहाँ पर कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गर्म करने रख दिया है। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च और हरी लाल मिर्च के दो दो पीस करके डाल दिए हैं, जीरा और हींग डाल दिए हैं, और इसे मैं थोड़ा सा बनने छोड़ दूँगी। और ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, तो बना के ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा, ताकि मैं भी बहुत खुश होती हूँ जब आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अभी मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है तो मैं उस हिसाब से शेयर कर रही हूँ, जिस दिन ज़्यादा सामान होगा उस दिन उस हिसाब से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी है वो उसके लिए मैंने यहाँ पर निकाल ली हरी मिर्च वगैरह। अब मैं डालूँगी यहाँ पर हल्दी, कुछ निकालनी है क्योंकि मैं उनको खाऊँगी सब मतलब मैं उनको खाऊँगी खाने के साथ, तो मैंने कुछ निकाल ली है। देन मैंने यहाँ पर चॉपर से जो टमाटर चॉप करे थे वो डाल दिए हैं, और उसमें मैंने हल्दी डाल दी थी और टमाटर डाल दिए हैं, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च एक कटोरी में निकाल ली थी ताकि हम खाने के साथ खा सकें, और नमक उसमें हम ऊपर से डाल देंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में मत डालिए क्योंकि फिर आप जो मसाले डालेंगे वो नहीं गलेंगे। तो यहाँ पर मेरे टमाटर हैं उन्हें मैं 2 मिनट के लिए भूनने दूंगी, नमक मैंने अभी नहीं डाला है, वैसे ही पक जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, वैसे भी ये बहुत जल्दी एक प्यूरी बन जाती है इससे। और जो मैंने लौकी कट जो लौकी मैंने बॉईल करी थी वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, आप लोग देख सकते हो। और इसे चलाना है हमें 2 मिनट तक, उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाले ऐड करे हैं, जैसे कि थोड़ा सा गरम मसाला, सब्जी मसाला, रेड चिली पाउडर। और अब मैं इसे चला लूँगी थोड़ा सा 2 मिनट तक, ताकि इसके जो मसाले का फ्लेवर है वो लौकी के अंदर तक चला जाए। यदि हमारी सब्जी का फ्लेवर जो अंदर तक जाता है तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, अब थोड़ा सा मैंने टमाटर को गलाने में डाल दिया था, तो देखिए मैं इसे अच्छी तरह से गला रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा, चाहे तो आप ऐसे सूखी भी बना सकते।
तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है कस्तूरी मेथी और बस इसको क्रश करके डाल दूँगी। इससे जो सब्ज़ी की खुशबू है ना वो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे निकलने के बाद। तो चलिए आप लोग भी आप लोगों से बातें करें। हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आपका बहुत अच्छे होंगे। और अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम हो गया है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आपको पकाऊँगी नहीं। सबसे पहले बस यही बोलूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे ले जाइए ताकि मैं कुछ न्यू आप लोगों के लिए कर पाऊँ। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं अकेली, मतलब मैं अकेली हूँ तो उस हिसाब से मैं आपके लिए क्या न्यू ला सकती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो और आप लोगों को देखने में भी इंटरेस्ट आए। मैंने वैसे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कुछ चीज़ें सोची हैं, भगवान की कृपा है कि वो मैं पूरी कर पाऊँ, तो दुआ कीजिएगा कि मैं वो कंप्लीट कर पाऊँ। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग एंड करने से पहले आप लोगों के नाम ले लेती हूँ, लेकिन कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं न्यू क्या कर सकती हूँ। तो चलिए आज नाम ले लेती हूँ। सबसे पहले सुशांत सोनी, लुकिंग सो क्यूट डे बाई डे, थैंक यू सो मच। रेनू रेसिपी एंड लाइफ स्टाइल, थैंक यू डियर। के कसौटी, सो ब्यूटीफुल सिस्टर, थैंक यू। निशा अरोरा दीदी, थैंक यू। वनारसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे, थैंक यू। और इसी बीच उर्मी तिवारी का कमेंट आया है, यू आर ए कॉपी कैट, उन्होंने ऐसे जस्ट बिल्ली बनाकर भेजी है। तो मैंने उनको सिर्फ इतना सा बोला कि पहले से तो तुम हो एक औरत की कॉपी। एक बात बताइए, मैं औरत हूँ, मेरी कॉपी मेरी बेटी आएगी, ठीक है? मैंने अपनी माँ से, माँ की कॉपी हूँ, ये मेरी बेटी मेरी कॉपी है। तो हमने भी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज की किसी दूसरे इंसान की जरूर कॉपी करी है, चाहे वो माँ की हो, चाहे बहन की हो, चाहे वो टीचर की हो, चाहे किसी की हो। बिना कॉपी के हम कभी इतने वर्णन नहीं हो सकते। हम जो चले आ रहे हैं ना लाइफ में, वो भी किसी न किसी की कॉपी है। तो मैंने इनको बोल दिया तो ये गुस्सा हो गई मैडम जी, और उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण लिख दिया कि तुम ना दूसरे की सॉन्ग क्रिएट करके कॉपी मत करो आपका। देखो तो मुझे लगता है मैडम, जब ये किसी की शादी में जाती होंगी या किसी के फंक्शन में या फिर कुछ जाती होंगी तो ये अपना घर से गाना बना के लेके जाती होंगी, और उसके बाद ये वहाँ पर जाकर सारे म्यूजिशियन को डाते होंगे, खुद तबला ढोलक सारे म्यूजिक जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे बजाती होंगी, देन फिर भंगड़ा, जो भी भंगड़ा, तुम ये कॉपी हो गया, वो भी ऑलरेडी बहुत सारे लोग करते हैं तो वो भी कॉपी नहीं, वो नहीं करती होंगी, अलग स्पेशल अपना डांस लेकर आती होंगी, स्पेशल सा कुछ करती होंगी जो अलग से ही, मतलब ये परे हैं। तो एक बात बता दूं मैडम, कोई ना हर कोई इंसान कोई ना कोई किसी ना किसी चीज की कॉपी करता है, और फिर वो मेरा खुद का डांस था, मैंने वहां पर अपने स्टेप यूज करे थे ना कि कॉपी करे थे किसी के, ठीक है? तो थोड़ा सा ये है तो यूज कर लो, ठीक है? स्पीक मोर यू कॉपी एंड फुटेज गर्ल, नो वन विल बी सी यू लायर, फर्स्ट लर्न स्पीक ट्रूथ। भैया मैं तो झूठ बोलती हूँ भाई, और आगे भी बोलती रहूंगी, मेरी जनता है वो भी झूठ बोलती है और वो भी आगे भी झूठ बोलती रहेगी, क्योंकि इस टाइम ये तो बोलना ही मत मैडम, आप ये तो बोलना ही मत कि मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, तो ऐसा तो कोई मानेगा ही नहीं कि आपने झूठ नहीं बोला है। तो ठीक है, दूसरों को सफाई देने से पहले अपनी तरफ देख लो। दिल से खाना फॉर यू, जय हिंद यार, और यू लुकिंग वेरी प्रिटी इन दिस आउटफिट, थैंक यू सो मच। नाइस इंडियन ब्लॉगर, ये जो आउटफिट है मैंने मंगाया था अपटाउनी से, अपटाउनी के कपड़े मुझे अच्छे लगे थे, मैंने शेयर भी करे थे आप लोगों के साथ। विप्र अग्रवाल, मैसी एंड जूली, सोनी किचन विला, सुनीता सिंह, फन विद मदर एंड डॉटर, कुलबीर कौर, अभी शर्मा, दबंग जाटनी व्लॉग, मिसिज मलिक कमरान, नूपुर सोनी, कुमार ड्रोज, माई लिटिल डिजायर, फन विद मदर डॉटर, मेरी बेटी एक बेस्ट डांसर से डांस सीखती थी पर अब वह फिल्मों और म्यूजिक वीडियो बनाने में बिजी रहता है, अभी दोबारा मुझे उतना अच्छा डांसर नहीं मिला, दुआ करना कि मिल जाए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी को मिल जाए, और आमीन भगवान करे तो ऐसा मिल जाए, और मैं अपनी बेटी को डांस में आगे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को भी डांस करना बहुत पसंद है, बट मैं कभी, मेरा सपना है कि मेरी बेटी टीवी में जाए और वो नाम रोशन करे। लव यू जैन, सो लुकिंग फैबुलस यार, थैंक यू सो मच। अभी शर्मा और नीता नंदा आपका कलर अच्छा है, थैंक यू सो मच। और निशा रोकुल, हरजोत कौर, पिंकी शर्मा,
वंस वंस के कसौटी ब्लॉगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव और लाइफ विद सीरिया। और इन्होंने बोला है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करो। तो गाइस अभी मेरा चैनल खुद बहुत डाउन है, मेरा चैनल अच्छा चलेगा उस टाइम मैं सपोर्ट करूंगी। ऐसे ही खुश रहना, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ब्लॉग अच्छा लगा, बहुत जल्दी चल जाता है लेकिन आपका कुछ काम धाम नहीं होता। ये महिलाएं उन श्रेणियों में से आती हैं जो कि बिना पड़ोसी, आपने देखा होगा ना कुछ औरतें होती हैं पड़ोसी वाली महिलाएं जो होती ना चुगली आंटी, जिनका नाम रख दिया ना चुगली आंटी, ये उन महिलाओं में से आती हैं, है ना। तो चुगली आंटी जी आप अपना काम करिए, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी और बस चुगली ही करती रहोगी और दूसरों को कॉपी कैट बताती रहोगी, क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर पाई हो लाइफ में। क्योंकि मैं हूँ कि मैं किसी की कॉपी कर सकती हूँ, आप उस लाइफ नहीं हो कि आप किसी की कॉपी भी कर पाओ। तो चलिए इसी थॉट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।